YouTube चैनल डिजाइनपुर में माय नेम इज शिवानी मिश्रा। आज हम बताएंगे ब्लाउज की डिजाइन, जो बैक ब्लाउज डिजाइन है ये डिजाइन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी कोई मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। उसके साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको डिजाइन अच्छी तरीके से समझ में आएगी। चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम ब्लाउज डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, मैंने ब्लाउज को कट कर लिया। इसकी लेंथ जो मैंने रखी 13.5 इंच है, और 3 इंच की गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे, और नीचे के साइड भी 3 इंच की गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे, और गले का जो मैं लेंथ रख रही हूँ 10 इंच है, तो 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब सब जो मैंने निशान लगाया इसको बराबर कर लेते हैं। निशान को देख लीजिए किस तरीके से मैं लाइन बना के सबको बराबर कर ली हूँ। अब जो 1 इंच का एक एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, और वहाँ से थोड़ा सा हम जो है इसको जो है स्क्वायर वी शेप का डिजाइन का मार्क दे देंगे। तो मैंने मार्क दे दिया है और इसको कट भी कर लिया है, देख लीजिए। अब इसी तरीके से हम ब्लाउज का कपड़ा लेंगे और सेम इसी तरीके से इसका भी गला कट कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसका भी गला कट कर लिया है। अब हम जो है ब्लाउज के कपड़े और अस्तर को दोनों को ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले हम गले को ज्वाइंट कर लेते हैं, तो अच्छे तरीके से गले को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। देख लीजिए किस तरीके से मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। अब जहाँ से हमारा जो है डिज़ाइन का हमने दिया, वहाँ से कट्स लगा लेंगे। जिस तरीके से मुलट कर से सीधा करेंगे तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम आएगा जिस तरीके से हमने कट किया है। अब यहाँ से जो हम स्टिच कर लेंगे गले को अच्छे तरीके से, ये देख लीजिए एकदम अच्छे से स्टिच कीजिएगा गले को। ये देखिए मेरा गला स्टिच हो चुका है। अब इसकी हम ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे, तो हम अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देख लीजिए, मैंने ब्लाउज की स्टिचिंग कर ली है पूरा अच्छे तरीके से। अब इसको जो हम एक साइड रखेंगे, इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए हमें कुछ डोरियों की जो है आवश्यकता पड़ेगी, तो हम डोरियाँ बना लेते हैं। तो डोरियाँ जो है मैं पतली की डोरियाँ बना रही हूँ, ज़्यादा मोटी डोरी नहीं बना रही हूँ। अब इसको मुलट कर सीधा कर लेंगे। अब जितना भी डोरी यूज़ में आए डिज़ाइन में, आप उतनी डोरियाँ बना लीजिएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे। पहले आप ऐसे साइज़ कर लीजिएगा कितना आपको डोरी डिज़ाइन बनाने में चाहिए, फिर उसी हिसाब से आप कट कर लीजिएगा डोरी को। ये देखिए मैंने डोरी को कट कर लिया है, मैंने कुछ और डोरियाँ भी बनाकर कट कर ली हैं। अब हमने जो है 3 डोरी जो है ये बड़ी डोरियाँ बनाई है, क्योंकि इसका हमें डिज़ाइन बनाना है साइड वाली। देख लीजिए इस तरीके से मोटी मोटी बड़ी डोरियाँ बना लीजिएगा। अब इसको हमसे चोटियाँ आप गूँथते हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी गूँथ लीजिएगा चोटियों की तरह। सेम से देख लीजिए मैं जैसे चोटियाँ बनाई जाती, सेम टू सेम वैसे आपको बनाना है इसे, इसी तरीके से बना लीजिएगा। देखिए मैं वीडियो आपको बता रही हूँ किस तरीके से बनाया जाएगा। बिल्कुल भी देख लीजिए डिफरेंसेस नहीं है, चोटियों की तरह ही मैंने इसे बनाया हुआ है। ये देख लीजिए ये मेरा बन चुका है, जितना हमें चाहिए उतना मैंने बना लिया है। अब इसको यहाँ से हम बांध कर जो है कट कर लेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा डोरी रहेगी उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देख लीजिए एक साइड का मेरा कंप्लीट बन चुका है, इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी बना लिए हैं। अब इसको जो है हम आपको ब्लाउज पर स्टिच करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज का कपड़ा लेते हैं, अब इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम जो चोटी वाला जो डिज़ाइन बनाए इसको हम स्टिच करेंगे इस पर। तो किस तरीके से इसे स्टिच किया जाए हम आपको बताते हैं। इसको हम मशीन की सहायता से नहीं स्टिच करेंगे, हम नीडल्स की सहायता से स्टिच करेंगे, क्योंकि जब ये अगर हम मशीन से स्टिच कर देंगे तो ये फुली फुली जो हमने चोटियों का डिज़ाइन बनाया ये अच्छा नहीं दिखेगा। अगर हम इसे स्टिच करेंगे नीडल्स की सहायता से ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। देख लीजिए किस तरीके से मैं नीडल की सहायता से स्टिच कर रही हूँ।
लेकिन सिलाई इस तरीके से चलाइएगा जिससे हमारी ये सिलाई जो है बाहर की तरफ ना दिखाई दे। इसी तरीके से आप भी स्टिच कर लीजिएगा इसको। अब पूरा मैं स्टिच कर लेंगे। ये देख लीजिए मैंने जो है पूरा स्टिच कर लिया है, दूसरे साइड का भी स्टिच कर लिए हैं। अब इसको नीचे के साइड से हम बांधेंगे, तो किस तरीके से नीचे के साइड हमें बांधना है देख लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टिचिंग कर लीजिएगा क्योंकि जब डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें भी हमारी ये चोटियाँ थोड़ी बहुत दिखती रहेंगी, इसलिए जो इस एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्टिच कर लीजिएगा। अब इसको जो एक्स्ट्रा मारा था उससे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब दूसरे साइड भी सेम इसी तरीके से लगा कर स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड से डिज़ाइन को स्टिच कर लिया। अब नीचे के साइड का हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो नीचे के साइड डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कुछ डोरियाँ कट की थी छोटी छोटी, उन्हीं की सहायता से हम डोरियों का डिज़ाइन बनाएंगे नीचे। तो इसे हम देखिए डबल फोल्ड करेंगे। किस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ देख लीजिए। अब इसको स्टिच करते जाएंगे ब्लाउज पर। ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। और मैंने डोरियों का डिज़ाइन थोड़ा सा बढ़ा के जो चोटी वाली डिज़ाइन थी स्टिच किया है, इसीलिए कि ये डिज़ाइन जो मैं स्टिच कर रही हूँ ये दिखता रहेगा थोड़ी, इसकी साइड में जो हमारे चोटियों का सारी डिज़ाइन है वो दिखता रहेगा थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा के स्टिच किया था। अब इसको हम देखिए डबल फोल्ड करके कैसे स्टिच कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप भी स्टिच कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो हम एक बीच में स्टिच करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें फोल्ड करना है दूसरे के साइड से, दूसरे साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे, उस साइड से भी हम ऐसे ही डोरियों को डबल फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। देख लीजिए मैं कच की तरीके से डोरियों को फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप भी स्टिच कीजिएगा। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देख लीजिए मैंने जो स्टिच कर लिया है, थोड़ा सा और स्टिच कर देंगे ये हमारा डोरी वाला डिजाइन स्टिच हो जाएगा। ये देखिए मेरी डिजाइन बन चुकी है। अब हम नीचे के साइड से डिजाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हमें जो है एक डोरी स्टिच करनी पड़ेगी, चौड़ी वाली रहेगी पट्टी समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे जो स्टिचिंग के लिए बना रही हूँ पट्टी, वो मैं लेस की सहायता से बना रही हूँ क्योंकि लेस जो थोड़ा हैवी होता है, इसलिए अगर आपको ब्लाउज का लेस मिले तो उससे जो नीचे के साइड का पट्टी बनाएगा तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। अब देखिए मैं इसको उलट कर सीधा कर लेती हूँ। ये जब उलट कर सीधा जाएगा तो इसको हम स्टिच करेंगे डिज़ाइन पर, तो किस तरीके से स्टिच किया जाएगा डिज़ाइन हम आपको बताएंगे। तो यही से हम थोड़ा हाथों के साथ ऐसे प्रेस कर लेते हैं। अब ब्लाउज का कपड़ा लेंगे और उस पर पट्टी को स्टिच करेंगे। तो हमें नीचे के साइड से ही पट्टी को स्टिच करना है, तो हम फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा साइड में, फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम जहाँ से कॉर्नर से जहाँ से हमने पट्टियों डोरियों का जो डिज़ाइन है स्टिच किया है कच वाला, सेम उसी जगह से हम पट्टी को भी स्टिच करेंगे। देख लीजिए अब कॉर्नर के साइड दूसरे साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम नीचे के साइड से पूरा स्टिच कर देते हैं, तो हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लीजिए अब धागे को हम निकाल लेंगे। अब हम इसके डेकोरेशन करेंगे, तो डेकोरेशन के लिए हमें जो मनी यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैं गोल्डन कलर का मनी यूज़ कर रही हूँ। और जो मैंने कज वाला डिज़ाइन बनाया है उसके बीचों बीच से हमें जो मनी को स्टिच करना है। देख लीजिए मैं किस तरीके से बीच से स्टिच कर रही हूँ मनी को, सेम इसी तरीके से आप भी मनी को स्टिच कर लीजिएगा। देख लीजिए इसी तरीके से हम पूरी मनी स्टिच कर लेंगे डोरियों में। देखिए मैंने पूरा मनी लगा लिया, मेरी डिज़ाइन जो बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी कोई न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। और मेरी अगर आप परचेज करना चाहते हैं मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस, तो आप मेरे इंस्टाग्राम और डिज़ाइन पर डबल टू को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर जो मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।